रोल है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं नौतनवा के विधायक और हाल ही में बसपा से में शामिल हुए और प्रत्याशी हैं अमन मणि त्रिपाठी। अमन जी, आप बसपा में शामिल हुए, इसके लिए शुभकामना आपको। थैंक यू सर सो मच। सवालों पर आते हैं जी, मैं मुद्दा नहीं पूछूंगा जी। दो परिवारों के इर्द गिर्द नौतनवा की राजनीति घूमती है। आपने अभी कुछ दिन पहले मुन्ना सिंह पर आरोप लगाया था, खड़ंजा उजड़वा कर बाउंड्री बनवा ली अपने घर का जी। वो तो कसम खा रहे हैं, उनके भाई साहब कुंवर अखिलेश सिंह आज हमारे चैनल पर कसम खा रहे थे कि राजनीति छोड़ दूंगा। वो तो हरदम कसम खाते हैं कुर्ता उतार दूंगा, वो तो हरदम कसम खाते हैं कि राजनीति छोड़ दूंगा, कुर्ता टांग दूंगा, संन्यास ले लूंगा अगर चुनाव हार जाऊंगा। लेकिन ये तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता गवाह है, और नौता हमें ये मैं नहीं कहता, जनता कही हमसे आकर के ए बाबू इतना माँ बनी लिया, झूठा कसम खाए कैंसर हो गया। मैं नहीं कहता, आप किसी से पूछ लीजिए, आम जन से पूछ लीजिए। अच्छा, एक सवाल आता है, आज वो एक और आरोप लगा है कि आपके पिताजी जब जवानी के पीरियड में थे तो ये गिरोह चलाते थे और एक ट्रक मोरंग से मंगवाते थे, एक ट्रक जो मोरंग जो लोग लाते थे उस मोरंग का इस्तेमाल होता था, 10 रुपया उसमें कमीशन लेते थे, सक्रिय गिरोह था। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब एक तरीके से सीधा रूप में कहा जाता है डकैती। ठीक है, अच्छी बात है। जरा हिस्ट्री शीट दिखाइए। मैं हिस्ट्री शीट, यह है भाई मुन्ना सिंह जी की हिस्ट्री शीट नंबर है 42A। सन 84 से मुकदमा है 305, 395, फिर 395, फिर 427, 379 चोरी। नहीं तो वो कहते हैं कि चोरी का जो मुकदमा है आपके पिताजी जानबूझकर करवा दिए, क्योंकि वो जो सक्रिय गिरोह था जो आपके पिताजी चलवाते थे, तो उनका आरोप है कि आपके पिताजी जो गिरोह चलवाते थे उसको विखंडित कर दिए, खंडित कर दिए, इसके लिए वो आंदोलन चलाए, इसीलिए आपके पिताजी डकैती का आरोप लगा दिए। देखिए, आरोप नहीं मतलब मुकदमा दर्ज करा दिए। ठीक है, मुकदमा दर्ज करा दिए, मैं तो कह रहा हूँ। तो साहब, पुलिस नहीं मूर्ख है कि मुकदमा दर्ज कर ली? आपने मेरे ऊपर भी दर्ज कराया। पुलिस उस समय डरती थी। ठीक है, अब पुलिस ही डरती थी, मुख्यमंत्री डरते थे, ये कौन सी बात है? ये बेतुकी बातें हैं, इन बातों का तो कोई मतलब निराधार बातें हैं। जब आप आदमी के पास तर्क संगत बात न हो करने को तो कुतर्क करने लगेगा। कुतर्क किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, तो उनके पास न तर्क है, न उनके पास जन है, न उनके पास अन्य किसी चीज़ का। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बताइए, अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को छोड़ करके, जो आपके पासपोर्ट जब आप माननीय सांसद थे तो उन पासपोर्टों की कॉपी आप क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? आप आगे करिए प्रमाण भाई, पासपोर्ट तो 5 साल की वैलिडिटी होती है, तो सबको पता है ना कि अगर ये मेरा पासपोर्ट है तो इसकी वैलिडिटी 5 साल होगी, 5 साल बाद इसका रिन्यूअल होगा, वो वाला पासपोर्ट की कॉपी के साथ स्टेपल होके मिल जाएगा। अब आप पूरा यूज़ करना चाहें, आपको पर आप लेटेस्ट यूज़ करना चाहें, तो अब पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर रहे हैं अपना नया पासपोर्ट दिखा के, तो पुराना पासपोर्ट भी तो ले आवे दिखावे, जिसमें वो 43 बार कनाडा गए। तो आप उसका नहीं, आप प्रमाण, ठीक है मैं इस पर सवाल में रोकूंगा, कनाडा वाली बात आप ही ने किया। हाँ, मैंने की। और आप प्रमाण खुद नहीं दिखा पाए। वो तो कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ूंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं कि जब मैं चुनाव हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 4 बार चुनाव हारे तो क्यों राजनीति में सक्रिय। मैं वही बता रहा हूँ सर कि हमने इस विषय को आपके सामने रखा जी। इस विषय का आपके चैनल अथवा जिस भी चैनल के माध्यम से संज्ञान लिया, होम डिपार्टमेंट ने, राज्य का नहीं केंद्र का भारत देश का, और उन्होंने हमसे सारे प्रमाण मांगे। मैंने उनको सारे प्रमाण पत्र विद द एक्नॉलेजमेंट लेटर ऑफ द तत्कालीन एट दैट टाइम होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, इसकी जांच हो रही है। उन्होंने उसको दोबारा मंगा लिया, हमने सारे साक्ष्य उनको दे दिए, उनके द्वारा हमको यह इत्तला कराया गया कि अभी आप साक्ष्य सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाइएगा, हम इसकी गहनता जाँच कर लेंगे और दोषी विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो अब ये बताइए, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन में कैसे आपको साक्ष्य दिखा दूँ? साक्ष्य तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये भारत देश के इतना गंभीर आरोप है तो आप तो सार्वजनिक कर दिए ना। फिर वही मैं कह रहा हूँ ना जी, तो आप सार्वजनिक आपके माध्यम से किया, हमको होम मिनिस्टर से फोन आया कि आप हमको साक्ष्य दे दीजिए जरा, हमने उनको साक्ष्य उपलब्ध करा दिए, उन्होंने हमसे एक फोन पे और बात कही कि इस साक्ष्यों को अभी सार्वजनिक ना करिए, हम इसकी गहनता जांच कर लें और जांच आपके सामने होम मिनिस्ट्री करके उनको पता चल जाएगा, उनके
आपके सामने हो जाएगी। मुन्ना सिंह एक और बात कहते हैं जी कि आप अंग्रेजी बहुत बोलते हैं जी, आपको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है। ये तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सामाजिकता के ज्ञान पे बता दिया। जो आदमी 8 फेल हो वो आदमी 8 फेल है। 8 फेल है कौन? मुन्ना सिंह। और अखिलेश सिंह कितना तक पढ़े? आपको 10th पढ़े होंगे? नहीं, कहाँ से आपको ज्ञान मतलब पता चला जानकारी? अरे भाई साहब, सर्टिफिकेट तो फर्जी कहीं बनता है, नकल तो कोई कर सकता है। मैं सर्टिफिकेटों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मुन्ना सिंह जी के अंदर अभी एक गांव में गए थे, हमको कोई बता रहा था कि एक गांव में गए, उन्होंने कहा कि भाई हमको वोट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी, आप भी विधायक रहे, एक पत्र लिख दीजिए मेरा और इस गांव पूरा वोट आपका। कब की बात है? मुश्किल 15-10 दिन हुआ कि आप पत्र लिख दीजिए। मुन्ना सिंह को पत्र लिखने का नहीं आता, आप लिखा देख लीजिए। उनको सामाजिकता ज्ञान है तो पत्र लिखना आना चाहिए ना कि थाना अध्यक्ष महोदय, मैं फलाने को आपके पास भेज रहा हूँ, इनकी समस्या सुन के उसका निस्तारण करने की कृपा करें और दस्तखत करके दे दें आपको। मैं भी मान जाऊं कि उनको बहुत सामाजिकता ज्ञान है, ये असत्य बातें हैं, निराधार बातें हैं। सामाजिकता का ज्ञान, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में 15 साल मेरी उम्र थी, तब से मैं टहल रहा हूँ। 15 साल के लड़के को 31 साल तक नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पाला पोसा बड़ा किया। जिसको नौतनवा की जनता ने पाल पोस के बड़ा किया उसको सामाजिकता का ज्ञान ना हो या उसके ऊपर आरोप लगाना अमन मणि के ऊपर आरोप नहीं है, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के ऊपर आरोप है। वो कहते हैं कि आपकी बहन, वो लगातार आरोप लगाते हैं, लगातार हर चैनल पर बोल रहे हैं कि रोती हैं, इस बार भी आएंगे, कहेंगे वोट दे देना, वोट दे देना, वोट दे देना। हम लोग का एक तरीका नहीं है। किसका तरीका नहीं है? उनका तरीका नहीं है, मतलब आपके परिवार का तरीका है, आपके परिवार का तरीका। भाई साहब, उनकी माँ यही खोरिया बाजार है, आप जाके पता कर लीजिए, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, आप चकदह पार करेंगे खोरिया पहुंच जाएंगे। उनकी माँ व्हीलचेयर पे बैठ के गई स्टेज तक तंग करके कि मैं आपने हमारे एक लड़के को जिताया, सांसद और विधायक बनाया, मैं मरने से पहले अपने इस लड़के को विधायक देखना चाहती हूँ। तब तो वो विधायक हुए। और उनका यह तरीका नहीं तो और क्या तरीका है? हमारी बहनें जो वेल एजुकेटेड है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस आदमी को सामाजिकता का ज्ञान ना, जिस आदमी ने शिक्षा ग्रहण न की हो, जिस आदमी ने जिंदगी भर लूट छिनैती चोरी, जिसका विवरण मेरे पास है, वह आदमी सामाजिकता की बात नहीं कर सकता। जब बात करेगा असामाजिकता की बात करेगा, जब बात करेगा कुतर्क में बात करेगा। कहते हैं कि आपके पिता ही जेल में हैं, आपके ऊपर मुकदमा है, तमाम तरह का आरोप है, और आप जो है आप प्रमाण मांगते हैं, आप उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं। तो मैं तो प्रमाण दिखा रहा हूँ। वो भी तो प्रमाण दिखाते हैं। मैं तो दिखा रहा हूँ, मेरे ऊपर 2 मुकदमा था, मैं अमन मणि त्रिपाठी के ऊपर 2 मुकदमा, एक अपहरण और रंगदारी का था जो कोर्ट से दोष मुक्त हो गया, एक अन्य और मुकदमा है जो ट्रायल पे है, कोर्ट डिसाइड कर देगा और मुझे न्यायपालिका पूरा भरोसा है। यह 40 मुकदमों का विवरण है जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 42A है, यह थाना नौतनवा की हिस्ट्री शीट है। यह नहीं ना झूठ बोलेगी थाना, नहीं झूठ बोलेगा, यह 40 मुकदमे कहां से आए? अपराधी कौन हुआ? वो कहते हैं आपके पिताजी का वर्चस्व था, पुलिस डर के मारे लिख रहे साहब, कहने शंकर तिवारी के करीबी हुआ करते थे। मैं कह तो रहा हूँ उनसे 40 मुकदमा, आपकी भी सरकार थी, आपने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के किस प्रधान को छोड़ा जिसकी जांच नहीं कराई? नौतनवा विधानसभा के किस शिक्षा मित्र, किस शिक्षक को छोड़ा जिसकी जांच नहीं कराई? यही नतीजा था कि 74,000 वोट, 76,000 वोट की 74,000 पाए थे, पाने वाला व्यक्ति 47,000 पहुंच गया। अच्छा, एक सवाल और है, आप दोनों परिवारों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में नौतनवा कहाँ है, नौतनवा का विकास कहाँ है, जरा बता दीजिए। आप भी विधायक हैं, ठीक है, वो सूची। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, अभी मैं आ रहा था, सड़कों की स्थिति, गाड़ी हिल रही थी। ठीक, गाड़ी तो हिलेगी, जब सड़कों की स्थिति खराब है तो हिलेगी। तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप हमको 50 कार्यों की जो प्रमुख कार्य है उनकी सूची अभी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। एक का दूसरा काम जिस जो वहाँ जी, मैं इसी सड़क से आप जी, मुझे नहीं पता कि आप एक सड़वा की तरफ से आए हैं कि आप चकना की तरफ से आए हैं जी। अब जब आप एक सड़वा से आएंगे तो बरगदवा अयोध्या तक सड़क खराब है। बरगदवा अयोध्या से यह सड़क अच्छी है यहाँ तक, इसलिए क्योंकि वह उतना पार्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में चयनित है। उसका कार्य PWD ने इसलिए अभी तक नहीं किया क्योंकि वो PMGSY में स्वीकृत है, उसका टेंडर होना है। बीच में आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद ये कार्य प्रारंभ हुई। सारी सड़कें, जितनी सड़कें टूटी हुई हैं वो सभी सड़कें स्वीकृत हैं। और आज से 5 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इन सड़कों पर साइकिल लेकर के जो आदमी चलता है, 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1 घंटा लगता था, साइकिलों के टायर फट जाते। आज सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, मैं मानता हूँ सड़कें बनी और टूटी भी, फिर बनी फिर टूटी, फिर बनेंगी फिर टूटेंगी, लेकिन 5 साल जिसने एक गिट्टी नहीं गिराई वो आरोप लगाने का अधिकारी है।
तो कहते हैं बिजली घर बनवाए, तमाम सड़कें बनवाए, तो कहते हैं कि पूर्वांचल की सबसे बेहतर सड़कें। अखिलेश सिंह बताते हैं कि जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो पूर्वांचल की सबसे बेहतरीन सड़कें गोरखपुर सोनौली मार्ग थी। तो कहते हैं तो उसमें उनका क्या भागीदारी था? तो कहते हैं मैं बनवाया हूँ। आज ही कहे हैं गोरखपुर मैंने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अब बनवाए मैं कह रहा हूँ कि जब कुतर की ही बात करनी है और कुछ भी बता दीजिए तो नेपाल राष्ट्र कुतर बनाया। कुतर की बात आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, वो कहते हैं अमन जो है नादान है, कुछ भी कह देता है, उसकी बातों में मैं क्या हूँ, वो कुछ भी कहता है, वो एक तरीके से कहते हैं कि अमन झूठ बोलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता आने वाले 3 तारीख को बता देगी कि झूठा कौन है। अमन जी, लास्ट सवाल है, एक समय हुआ करता था आप जिस गमछा को लगाए हैं बहुजन समाज पार्टी का जी लोगों को लगाए हैं, उस पार्टी से आपके पिताजी का अदावत हुआ करता था एक समय था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। इतना हमारे, पात, हमारे पिताजी जी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की सरकार कौन गिराया? बहन सुन लीजिए फिर बता रहा हूँ, हमारी हमारे पिताजी बहन मायावती जी की सरकार में मंत्री थे जी। और 2002 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी टिकट पे जीत के गए थे जी। सरकार भी तो गिरा, सरकार तो गिरा नहीं जी, सरकार उस समय भंग कर दी गई। उस समय बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली एक संयुक्त सरकार चल रही थी, वो ऊपरी विषय था कि आपस में नेताओं का टकराव हुआ और उन लोगों के बीच की बात नहीं बनी, 6 महीने साल भर में सरकार गिर गई। अब सरकार अल्पमत में मैंने अब और कोई बहुमत में नहीं था कि सरकार प्रूफ कर पावे, तो उस समय हमारे पिताजी जेल चले गए थे, तो जेल में थे वो तो वोट दे भी नहीं सकते थे, अन्य लोगों ने मिल करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा, अखिलेश यादव से बड़ी बी टीम कौन, मतलब बीजेपी से अखिलेश जी का गठबंधन? अरे 100% उनसे बड़ी तो कोई बी टीम है ही नहीं है। कैसे? और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मतलब बसपा अकेले लड़ रही है, बसपा अकेले अपने कहा जा रहा है। अंतिम समय में बसपा ज्वाइन क्यों किया? एकदम लास्ट समय, एकदम चुनाव के कुछ दिन पहले जी जी। हमने अपने क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क में बात कर रहे थे कि आप लोग बताइए, सभी जनता का चारों तरफ से यह संदेश आया कि देखिए सबसे सुशासित सबसे बेहतरीन सरकार अगर किसी ने चलाई, अगर जन जन तक कल्याण योजना किसी ने पहुंचाई और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा किसी ने दिया, तो उनका नाम बहन कुमारी मायावती है, आदरणीय बहन जी हमारी ने सबसे बेहतर सरकार चलाई और आप उनके साथ होकर के हमारे क्षेत्र का विकास करिए, तो हम लोग इकट्ठा होकर के और बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अमन जी, आपने गोरखपुर इस बात की से बोल दिया, बहुत बधाई।